Good morning, students. Hope you are all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So, the subject is research methodology. And today, the topic would be variables, types of variables. So, previous lecture ki continuation mein hum discuss karenge. So, last lecture mein humne discuss kara tha, different types of variables. Aur usme humne discuss kare the, first, हमने डिस्कस करा था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस करा था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस करा था मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जिसको हम इंटरैक्शन वेरिएबल भी कहते हैं, एंड देन हमने डिस्कस करा था कंट्रोल वेरिएबल्स. सो अब उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर दी रेफरेंसेस बुक्स जहां से हमने पीपीटी कंटेंट बनाया. सो दीज आर दी थ्री बुक्स. फर्स्ट इज बिजनेस रिसर्च मेथड बाय कूपर एंड शिंडलर. सेकेंड इज बिजनेस रिसर्च मेथड्स बाय जिगमंड बेबिन कैर एंड ग्रिफिन. एंड थर्ड द लास्ट वन इज मार्केटिंग रिसर्च एंड अप्लाइड अप्रोच बाय मल्होत्रा एंड बर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने डिस्कस करा था उसमें हमने जो अपना वीडियो एंड करा था, दैट वाज द लास्ट टॉपिक वाज कंट्रोल वेरिएबल्स. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को जब हम स्टडी में इंक्लूड करते हैं, सो वी जनरली इंक्लूड देम इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वेरिएबल. सो हमने एक एग्जाम्पल लिया था वेदर, विच इज एक्टिंग एज कंट्रोल वेरिएबल, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वर्किंग वीक, एंड प्रोडक्टिविटी वॉज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल वॉज वर्कर से, जिसको हम इंटरेक्शन वेरिएबल भी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वुड बी कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. सो एक और वेरिएबल है कन्फाउंडिंग वेरिएबल, जो है मीटिंग अटेंडेंस. इस ये वेरिएबल इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेटिंग वेरिएबल. सो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, उसके सपोर्ट के लिए आपको प्रीवियस लिटरेचर चाहिए होती है. सो जब आप प्रीवियस लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें आप देखते हैं कि प्रीवियस लिटरेचर आपको सजेस्ट करता है कि ये जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल और दिस वेरिएबल कैन एक्ट एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल. अब हम डिस्कस करें कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन ऑल्सो बी कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. सो इससे पहले हमने जो डिस्कस करा था, दैट वॉज कंट्रोल वेरिएबल. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो होते हैं, दे कैन बी इंक्लूडेड इन योर रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन ऑल्सो बी अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स टू अवर हाइपोथाइज्ड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप. सो ये जो हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एक्सट्रेनियस वेरिएबल इफेक्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल. सो सिमिलर टू मॉडरेटिंग वेरिएबल, यस सिमिलर टू मॉडरेटिंग वेरिएबल. यू मे कंसिडर दैट द काइंड ऑफ वर्क बींग डन माइट हैव एन इफेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग वीक लेंथ ऑन ऑफिस प्रोडक्टिविटी. सो यस द काइंड ऑफ वर्क might have an impact. So, किस तरह का वर्क जो है लोग कर रहे हैं, might have an effect on the impact of working week, वो है independent variable on office productivity. This might lead you to introducing time spent in a meeting to coordinate the work as a confounding variable. So, इसलिए हमने टाइम स्पेंड इन अ मीटिंग, सो मीटिंग अटेंडेंस को हमने एक वेरिएबल लिया है जिसको एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, और उसको हमने स्टडी में इंक्लूड करा इन द फॉर्म ऑफ कन्फाउंडिंग वेरिएबल. कन्फाउंडिंग वेरिएबल, कन्फाउंड मीन्स वो रिजल्ट्स को कन्फाउंड करता है, इसलिए इस वेरिएबल का नाम कन्फाउंडिंग वेरिएबल होता है. इट अफेक्ट द रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल जो हम इमेजिन कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, दैट इज अ प्योर रिलेशनशिप, बट इट इज अफेक्टेड बाय द वेरिएबल, द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, दैट इज मीटिंग अटेंडेंस, और उसको हम कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल. सो स्टडी में हमने देखा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्च में, उसके बाद आपने देखा मॉडरेटिंग वेरिएबल, देन कंट्रोल वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं उनको जब हम स्टडी में इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड देम एज कंट्रोल वेरिएबल, एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल को व्हेन वी include them, we also include them in the form of confounding variable. Next, jo hai, that is intervening variable. So, intervening variable ka matlab hai,
ये आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है, जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, दैट वाज वर्किंग वीक, प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट वेरिएबल था। इन दोनों रिलेशनशिप को के बीच में एक जो वेरिएबल है जो इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो अगर वर्किंग वीक बेटर होगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, और जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। सो ये जो पहले रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप में एक चेंज आ गया है, और जो बीच में आपका वेरिएबल आया है, जो उस रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल कभी कभी आपको कंफाउंडिंग के बीच में भी मिल सकता है, आपको कंफाउंडिंग, जैसे रूटीन वर्क इज ऑल्सो एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो दो रिलेशनशिप के बीच में, जो रिलेशनशिप है उसके बीच में अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो दिस इज द लास्ट वेरिएबल। सो द वेरिएबल्स मेंशन विद रिगार्ड टू कॉजल रिलेशनशिप आर कंक्रीट एंड क्लियरली मेजरेबल, दैट इज दे कैन बी सीन, काउंटेड, ऑब्जर्व इन सम वे। समटाइम्स हाउएवर वन मे नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाई दी एक्सप्लेनेशन दे गिव। दस वाइल वी में रिकॉग्नाइज डेट अ 4 डे वर्किंग वीक, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी, वी माइट थिंक दैट दिस इज नॉट द होल स्टोरी। द वर्किंग वीक लेंथ अफेक्ट सम इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो है जॉब सेटिस्फेक्शन। सो वर्किंग वीक जो है, इट इज अफेक्टेड बाय सम वेरिएबल, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन, विच इन टर्न अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। सो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वर्किंग वीक होगा, उससे उतना ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, और जितना ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन है, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। सो इस रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई वेरिएबल आ जाता है जो उस रिलेशनशिप को एनहांस करता है, या जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो हम रीकैप एक बारी मैं आपको बताता हूं कि हमने जो वेरिएबल्स पढ़े, उन वेरिएबल्स को आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स हैं आपकी रिसर्च में, और वो वेरिएबल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सो इट कैन बी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है क्या आपका इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर आपने लिटरेचर में देखना है कि कहीं कोई मॉडरेटिंग वेरिएबल तो नहीं है जो उस रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अगर कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जैसे हमने डिस्कस करा था, दोज वेरिएबल्स विच अफेक्ट द रिलेशनशिप। सो जनरली हम इनको स्टडी में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ इम्पैक्ट। बट इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड देम, यू कैन इंक्लूड एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के अलावा, अगर इस रिलेशनशिप के बीच में कोई वेरिएबल आता है जो उस रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट लीड्स टू दैट वेरिएबल एंड देन दैट वेरिएबल लीड्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल बिटवीन द इंडिपेंडेंट वर्किंग वीक एंड डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी। सो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको आपने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद, जैसे हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन भी इन वेरिएबल्स की क्लियर अपने पास रखनी है, जिससे आप ऑपरेशनल डेफिनेशन होने की वजह से यू कैन इजीली मेजर दीज वेरिएबल्स। तो कैसे मेजर करेंगे? अब जॉब सेटिस्फेक्शन है, दिस इज अ कंस्ट्रक्ट। सो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन की ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने रिसर्च अपने जो प्रीवियस लिटरेचर से उनसे निकालनी है, और जो प्रीवियस लिटरेचर में जिस तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर हुआ है, वैसे आप किसी प्रीवियस लिटरेचर से लेंगे, और फिर वैसे आप जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे। इसलिए डेफिनेशन भी, ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आपके पास होनी चाहिए वंस यू स्टार्ट योर रिसर्च। एंड इफ देयर इज एनी थ्योरी, अगर कोई भी थ्योरी इन वेरिएबल से रिलेटेड है, यू हैव टू डिस्कस दैट थ्योरी, और अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेस्ट दैट थ्योरी ऑल्सो। सो दैट इज ऑल फॉर टूडे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद रिसर्च प्रोसेस, क्या रिसर्च का प्रोसेस होता है और क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।